नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 और हमारा जो विषय है हिंदी। हिंदी में हमारी जो पाठ्यपुस्तक है क्षितिज और उसका जो काव्यखंड है और उसके अध्याय 10वें का, जिसमें कवि का नाम है ऋतुराज और ऋतुराज द्वारा जो रचित रचना है कन्यादान। अब कन्यादान जो है सहज स्वाभाविक शब्द हमने सुना भी है, क्योंकि जब लड़की का विवाह किया जाता है तो लड़की का विवाह होने के बाद में जब उसको उसके ससुराल भेजा जाता है तो उस समय वह जो है परंपरा चली आ रही है जिसमें कन्यादान कहा गया है। तो इसके अंदर एक माँ की जो स्थिति है वो अत्यंत भावुकतापूर्ण रहती है, मर्म स्पर्शी रहती है, हृदय को स्पर्श करने वाली रहती है। अब क्योंकि एक माँ जो है अपने बच्चे से अधिक जुड़ी रहती है, उसके सहेली के रूप में भी वही है ना, तो इस प्रकार से हर प्रकार से एक जो लड़की है माँ के अधिक निकट रहती है और सुख दुख की जो बातें हैं वो आपस में करती हैं। तो एक माँ जो है कन्यादान करते समय, यानी कि जब उसकी लड़की ससुराल जा रही है, तो उसको क्या शिक्षा देती है, किस प्रकार से वो कहती है, बता रही है, तो इन्हीं बातों को है। तो ये साधारण सा विषय ही कि कन्यादान अपने विवाह में जाते तो कहते हैं कन्यादान कर दिया है ना, तो इस प्रकार के भाव है। लेकिन ये है क्या, किस प्रकार से ये आत्मीयतापूर्ण संबंधों से जुड़ा हुआ है, ये साधारण सा दिखने वाला एक विषय जो है अत्यंत मर्म को लिए हुए है। तो इसी बात को, जो सहज सरल बात है, उसको कवि ने अपनी जो रचना है कन्यादान उसके माध्यम से अभिव्यक्त किया है, उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो कवि का परिचय है कि ऋतुराज कौन है, उनकी रचनाएं क्या है, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो पहले अपने कवि परिचय जान लेते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और एमए स्नातकोत्तर को कहते हैं। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के उपरांत अब सेवानिवृत्त होकर जयपुर में रहते हैं। इनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। इन्होंने सामाजिक उपेक्षा एवं शोषण उत्पीड़न से ग्रस्त लोगों की चिंताओं और विडंबनाओं को अपने लेखन का विषय बनाया है। अब देखिए, सामाजिक जो उपेक्षा और जो शोषण उत्पीड़न से त्रस्त हैं, ऐसे लोगों की जो चिंताएं और जो विडंबनाएं हैं उनको अपने लेखन का विषय बनाया है। इसी कारण इनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। इन्हें अब तक सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। तो अब इसमें अपने बात कर रहे थे इनके द्वारा जो रचित रचना है कन्यादान। अब कन्यादान कविता के अंदर कवि जो है परंपरावादी दृष्टिकोण को नहीं अपना रहे, बल्कि जो आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए एक आधुनिक जो सीख है वो दी जा रही है इसके अंदर माँ के द्वारा, कि किस प्रकार से एक बालिका को अपने ससुराल में व्यवहार करना चाहिए, जिससे हर कोई जो है उसके कार्य की प्रशंसा करें, उसे जिस प्रकार से मायके में प्रेम स्नेह मिला है तो वैसा ही ससुराल में मिले, तो इसी भाव को इसमें बताने का प्रयास कवि द्वारा किया गया है। तो उसी का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। पहले हम भाग एक का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में हम भाग दो का अध्ययन करेंगे। तो पहला जो भाग है इसके अंदर वह अपनी बालिका के बारे में, अपनी बेटी के बारे में बता रही है, वो कैसी है, किस प्रकार का उसका स्वभाव है। तो यह जो भाव है इसमें लक्षित किए गए हैं। तो पढ़ते हैं हम ऋतुराज द्वारा रचित रचना जो कन्यादान है उसको। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब ये बता रहा है कि कितना प्रमाणिक था उसका दुख। अब ये उसका दुख मतलब एक मां का जो दुख है कितना प्रमाणिक था,
यानी कि प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब देखते हैं अपने कि कोई सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुख जो है आत्मीयता का भाव है, अंदर से आता है ये। तो कितना प्रमाणिक था उसका दुख, एक माँ का जो दुख है वो बहुत ही प्रमाणिक था। लड़की को दान में देते वक्त जब लड़की का विवाह हो, उसको दान दिया जा रहा है कि उसको विदा किया जा रहा है, तो उस समय उसकी माँ का जो दुख है वो बहुत ही प्रमाणिक था, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब कभी इसमें कहते हैं कि वह जैसे उसकी अंतिम पूंजी हो। एक माँ जो एक बेटी को हर प्रकार के अच्छे जो संस्कार है वो देती है, और वह सोचती है कि जो मेरे पास है वो मैं इसको दूं, तो उसकी जो अंतिम पूंजी, क्योंकि हर प्रकार से माँ जो है बेटी के साथ में सुख दुख करती है, तो कहते हैं इसमें बताने का प्रयास किया गया कि हर प्रकार से संचित की गई जो निधि है, जो धन है या पूंजी है, वह उसकी वही लड़की थी जो कि अब विवाह के बाद में अपने ससुराल जा रही है, और ऐसे लगता है माँ को जैसे कि उसकी अंतिम पूंजी जो थी वह उसे कहीं दूर जा रही है। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। अब देखिए कवि इसमें कहते हैं कि लड़की अभी ज्यादा सियानी नहीं थी, समझदार नहीं थी। अब जब उसकी शादी की जा रही है तो उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, ना ही तो उम्र की दृष्टि से बड़ी है और ना ही शारीरिक रूप से इतनी सक्षम है कि अभी उसकी शादी की जाएगी। फिर भी उसकी शादी की गई है, अभी इतनी भोली सरल थी, और उसका स्वभाव भी बहुत सरल है, और वह इतनी अधिक बुद्धि के क्षेत्र में भी ज्यादा परिपक्व नहीं है कि उसे सुख का आभास तो होता था। अब कवि इसमें कहते हैं कि उसको सुख का आभास तो हो रहा है, अब शादी के बाद में उसको अच्छा सुखपूर्ण जीवन मिलेगा, उसको ऐसा आभास है, वो अनुमान लगा रही है कि उसको ससुराल जाने के बाद में बहुत ज्यादा जो सुख है, जो आनंद है वो प्राप्त होगा, लेकिन दुख बांसना नहीं आता। अब कवि इसमें एक माँ के माध्यम से कहता है कि लेकिन दुख बांसना नहीं आता। अब उसको पता है कि शादी के बाद में सुख प्राप्त होगा, और वही कल्पना कर रही है उसकी बेटी जो है, लेकिन माँ कहती है कि उसको दुख बांसना नहीं आता कि शादी के बाद में जो पारिवारिक बंधन बंध जाते हैं तो उनमें किस प्रकार के दुख का भाव भी रहता है, तो ऐसे जो दुख हैं उनको बांसना, बांसना का मतलब है पढ़ना, ये सामान्य बोलचाल का शब्द है बांसना, तो लेकिन दुख बांसना नहीं आता। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्क और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब इसमें कवि कहते हैं कि वो पाठिका थी, पाठिका कहते हैं पढ़ने वाले। अब पाठक जो है, ये पाठिका स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया, पाठक जो पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है ना, पढ़ने वाला और पढ़ने वाली। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, और धुंधला प्रकाश किसको कहा गया, विवाह के बाद में उसको सुख ही सुख प्राप्त होगा ऐसा उसको लग रहा था, तो वह धुंधले प्रकाश के समान है। वह जो है अभी उसके लिए निश्चित नहीं था कि वास्तव में उसकी स्थिति वैसी ही रहेगी, सुख ही प्राप्त होता रहेगा, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब वह पाठिका थी, कुछ तर्कों, वह तर्कपूर्ण अपने जो बात है वो रख रही है, और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, और हर प्रकार से वह एक लयात्मकता अपने जीवन के अंदर, लयात्मकता जो है उसको अनुभव कर रही है। तो कवि कहते हैं कि वह केवल धुंधला जो प्रकाश है शादी के बाद में उसको सुखपूर्ण जीवन प्राप्त होने वाला है, ऐसा जो प्रकाश है, जो ऐसे सुख की जो अनुभव है, ऐसे सुख की जो अनुभूति वो पहले कर रही है, तो उसके अंदर कुछ तर्क भी और कुछ लयबद्धता भी उसके अंदर बनी हुई है, उसका जो जीवन है वो अच्छे से वहां पे व्यतीत हो जाएगा। तो कन्यादान कविता के माध्यम से एक माँ की जो स्वाभाविक जो चिंता है अपनी पुत्री के प्रति, अपनी बेटी के प्रति, उसी भाव को इसमें कवि ने बताने का प्रयास किया है। और कवि कहता है कि किस प्रकार से एक बेटी जो है माँ की संचित निधि होती है, पूंजी होती है, और हर प्रकार से वह बचपन से लेकर जब युवावस्था तक एक माँ जो है बेटी को अच्छे संस्कार देती है, जो उसके अंदर अच्छाइयां हैं, यानी जो भी काम वगैरह वो सिखाना चाहती है वो सिखाती है उसको, तो अपने द्वारा जो अर्जित किए गए जो गुण है वह भी अपनी बेटी को देती है। तो इस प्रकार से अपने द्वारा जो अर्जित किया गया, जो भी कुछ था, जो भी अनुभव थे, वह अपनी बेटी को प्रदान करती है, और अंतिम पूंजी के रूप में इसको बेटी को बताया गया है एक माँ के लिए। और माँ के लिए बेटी जो अभी तक सियानी नहीं हुई है, अभी नादान है, वो बच्ची है, क्योंकि माँ बाप के सामने बच्चे जो है चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी वे बच्चे ही रहते हैं, छोटे ही रहते हैं, उनके लिए वे नादान रहते हैं। तो ऐसा ही भाव इसे बताने का प्रयास किया गया है कि एक
बेटी जो है विवाह के बाद में सुखपूर्ण जो जीवन है उसका अनुभव कर रही है, लेकिन माँ को पता है कि केवल सुख ही सुख नहीं होते हैं शादी के बाद में, बल्कि साथ ही साथ कुछ दुख भी रहते हैं। तो उस उन दुखों का जो अनुभव है उसको अभी तक नहीं है, उसको पढ़ना नहीं आता कि किस प्रकार से उन दुखों को दूर किया जा सके। तो यह जो भाव है इसमें ऋतुराज ने कन्यादान कविता के माध्यम से एक माँ के जो भाव है वो प्रकट किए हैं। तो आज हमने अध्ययन किया है ऋतुराज द्वारा रचित जो रचना है कन्यादान, उसके भाग्य का, और आगे के अध्याय में आगे के भाग में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से वह माँ जो है अपनी पुत्री को सीख देती है, एक परंपरावादी सीख नहीं देती, वो आधुनिक जो सीख है वो देती है, और वो क्या है सीख, वो आगे के भाग में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।